हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज क्या 15B 15 से हम लोग का कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 15D पे आ चुके थे, यानी कि स्टूडेंट मल्टीपल एंगल। स्टूडेंट, हम पिछले क्लास में मल्टीपल एंगल में बहुत फॉर्मूला लिखाए थे स्टूडेंट, उसमें से कुछ फॉर्मूला को हम प्रूव भी कर दिए थे, और कुछ फॉर्मूला था स्टूडेंट जो आप लोग को होमवर्क दिए थे, बोले थे इस सब फॉर्मूला को आपको सेम ऐसे ही प्रूव करके लाना है। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट से cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos वाला में tan वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं बन पा रहा। तो स्टूडेंट, उस टाइप का जितना भी फॉर्मूला अभी हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आपको छोड़ देंगे स्टूडेंट, वो 100% आपसे होगा, सेम हूबहू वही चीज को लिख देना है। तो स्टूडेंट, अभी हम पहले फॉर्मूला पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट आज 15D को भी डिस्कस करेंगे। 15D एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन एकदम डिस्कस कर देंगे स्टूडेंट, ताकि कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद भी यदि कुछ डाउट होता है स्टूडेंट, तो जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या नहीं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और वहां से व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट, आप लोग भी निकाल लीजिए एक्सरसाइज 15D। स्टूडेंट 15D निकालिए, मेरा बुक में तो यहाँ पे 2D लिखा हुआ है, पुराना बुक है, नया वाला बुक में 15D लिखा हुआ है, आप लोग निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चलिए वो सब फॉर्मूला जो पिछले क्लास में बताए थे उसमें अभी हम कुछ प्रूव करके फिर से बताते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि एक फॉर्मूला था आप लोग का cos 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला लिखा था स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए स्टूडेंट, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे चलिए उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख लेंगे। LHS हम लोग का क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो देखिए तुम cos 2 थीटा दिया हुआ। अच्छा स्टूडेंट, ये 2 थीटा को यदि हम लोग cos थीटा प्लस थीटा कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? cos थीटा प्लस थीटा 2 थीटा को लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ से cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। अब बताइए स्टूडेंट कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा को cos थीटा प्लस थीटा कर दिए, और स्टूडेंट cos a इसको लिए, इसको b ले लिया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, वही के स्टूडेंट। अब बताइए स्टूडेंट कि cos थीटा इंटू cos थीटा मिलकर के क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हम लोग का RHS मिला था प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये चीज समझ में आया कि नहीं? सिर्फ स्टूडेंट फॉर्मूला, और हाँ स्टूडेंट फिर से एक बात हम याद दिला दे आप लोग को, मैथ में बिना फॉर्मूला याद किए बगैर कुछ नहीं होता स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फॉर्मूला को आप लोग को याद करना। तो स्टूडेंट बार बार इस बात को हम कितना बताएं, अब तो आप लोग थोड़ा सीनियर हो गए, 11th के स्टूडेंट बन गए, तो आप लोग समझ सकते हैं स्मार्टनेस पढ़ाई कैसे होता है। बस फॉर्मूला याद करने का बहुत सारा तरीका बता दिया स्टूडेंट, तो कोई भी एक तरीका अपना करके फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहीं पे भी फिर मैथ में दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद तो हम है ही, यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे तो आप लोग को कांटेक्ट कर लेना है, कहीं पे भी मैथ में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, इसी में cos 2 थीटा का और फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो चार फॉर्मूला इसमें बताए थे स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आ गया, और इसी में साइन का फॉर्मेशन फॉर्मूला था 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं स्टूडेंट 1-2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग LHS cos 2 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला प्रूव किए, क्या किए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, ये 10th का ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ से 1 हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हम लोग को RHS मिला था स्टूडेंट प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और चलिए स्टूडेंट इसी में लेके चलते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला चार होता था, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का साइन के फॉर्म में 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी में स्टैंड होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में, तो क्या होता है स्टैंड वो फॉर्मूला, उस पर ध्यान दीजिए।
फॉर्मूला आता है स्टूडेंट कॉस टू थीटा का कॉस के फॉर्म में, आप लोग भी बता सकते हैं 100% सब स्टूडेंट याद किए होंगे, हमको ये आप लोग से उम्मीद है और उम्मीद में पानी नहीं फेरना चाहिए स्टूडेंट, एकदम 100% आप लोग याद कीजिए फॉर्मूला, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा ना तो 12th में सबसे वीक स्टूडेंट के काउंटिंग में आ पाइएगा। इसलिए स्टूडेंट कोई चाहता कि वीक स्टूडेंट बने, हर कोई चाहता है नहीं स्मार्ट रहे, पढ़ने में तेज रहे, आगे बढ़े, तो स्टूडेंट फॉर्मूला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फॉर्मूला याद कीजिए। अब स्टूडेंट वैसे भी तो सब इजी फॉर्मूला है, एक बार जहां से आप लोग इसको सही माइंड से देख लीजिएगा ना तो कभी फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, और जहां कहीं भी मैथ बनाइए तो बार बार फॉर्मूला को लिखिए ताकि फॉर्मूला आप भूले ही नहीं कभी। अब देखिए स्टूडेंट कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो 2 cos² θ - 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं हम लोग LHS को लेकर के, LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत प्रूफ किया स्टूडेंट क्या, तो cos² θ - sin² θ। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट ये cos² θ है और -sin² θ, तो हम लोग cos² θ यहाँ रहने दीजिए, माइनस ये sin² θ को दे स्टूडेंट 1 - cos² θ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि sin² θ + cos² θ = 1, तो sin² θ = 1 - cos² θ, ये माइनस को अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट cos² θ - 1 + cos² θ, और 1 cos² θ और 1 cos² θ मिलकर के हो गया स्टूडेंट 2 cos² θ - 1, और ये हम लोग को RHS मिला था प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है क्या, कहीं पे भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, एक एक फॉर्मूला आप लोग से प्रूफ हो जाएगा, आप लोग देखिएगा घर में भी ऐसा करके ट्राई कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट और आगे बढ़ते हम लोग, चलिए 2-4 फॉर्मूला आज आप लोग के लिए छोड़ देंगे, वो आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए एक और टेन का फॉर्म में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो टेन के फॉर्म में कॉस 2θ का फॉर्मूला होता है 1 - tan²θ / 1 tan²θ। यहाँ से फिर से हम लोग LHS ले लेंगे स्टूडेंट, LHS क्या दिया हुआ है देखिए, तो cos 2 थीटा दिया हुआ है लिखे, और cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत हम बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि cos² θ - sin² θ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, cos² θ - sin² θ के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और ये 1 को स्टूडेंट जो बार बार इधर हम लोग यूज कर रहे थे sin² θ + cos² θ = 1, तो 1 बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट cos² θ - sin² θ / 1 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो cos² θ + sin² θ. अब बताइए स्टूडेंट ये cos² θ - sin² θ तो क्या हो जाएगा, cos θ + sin θ फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यों लिखेंगे, तो cos θ - sin θ हो जाएगा ना, cos θ - sin θ फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट देखिए, तो cos² θ + sin² θ. अच्छा स्टूडेंट आप लोग एक बात बताइए, क्या इस फॉर्म में तोड़ के और लॉन्ग प्रोसेस में जाए या शॉर्ट में, इसमें तो लाना ही नहीं है तो हम लोग इसमें क्यों जाए, झूठ का क्यों लॉन्ग प्रोसेस चले, तो स्टूडेंट इस स्टेप को नहीं लिखेंगे ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से भी हम लोग का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम चाह रहे कि इसको शॉर्ट में ही प्रूफ करके दिखा दे, क्योंकि स्टूडेंट समझाने का तो हम समझा देंगे लेकिन आगे आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बनाने में परेशानी होने लगेगा, इसलिए स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे ही देखें cos² θ - sin² θ / cos² θ + sin² θ मिल गया और हम लोग को लाना क्या, तो 1 - tan²θ / 1 tan²θ, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos² θ से भाग कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट अंश में और हर में cos² θ से डिवाइड कर देंगे। अब आप लोग बहुत स्टूडेंट का मन में आता होगा, जैसे मेरा भी मन में ये कुरपाती सवाल चलता था स्टूडेंट कि आखिर हम लोग cos² θ से सर क्यों देंगे डिवाइड, सर इसलिए cos² θ से डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे cos² θ से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा और sin² θ / cos² θ मिलकर के tan² θ होगा, इसलिए cos² θ से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से कोई कॉमेंट नहीं कीजिए कि सर आखिर cos² θ से क्यों किए, साइन से sec से cosec से क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि आगे हम लोग को यहाँ प्रूफिंग में तो मिल रहा था, आपका घर का चीज आप जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा लेकिन कैसे कीजिएगा, तो प्रूफ करने के लिए ये चीज दे दिया ना, इसलिए स्टूडेंट ध्यान से देख करके यहाँ पे देखिए क्या दे दिया, 10 के फॉर्म में दिया था, इसलिए इसको cos² θ से करेंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट जैसे ही cos² θ को आप cos² θ से डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा -sin² θ डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos² θ फिर डिवाइडेड बाय cos² θ को जैसे ही भाग कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1 +
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और आप लोग को 100% पता होगा स्टूडेंट कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यही तो हम लोग का आरएचएस मिला था कि ये चीज प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टूडेंट है ना इजी, बोले थे स्टूडेंट कि कहीं पे भी मैथ को हार्ड नहीं लगने देंगे, बस आप लोग मेरे अनुसार चलिएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला पे ये सारा चीज डिस्कस हो रहा था स्टूडेंट। फॉर्मूला छोटा छोटा से भी लेकर के जितना भी बड़ा लेवल तक का फॉर्मूला लिखा रहे स्टूडेंट, हर एक फॉर्मूला को याद रखिए। और स्टूडेंट एक बात और बोलेंगे, ये जितना भी चीज हम जो आप लोग को फॉर्मूला प्रूफ करा रहे स्टूडेंट, ये चीज आप लोग नहीं समझिएगा कि हम लोग का सिलेबस में है और ये एग्जाम में आने वाला है। 100% एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम नहीं, लेकिन स्टूडेंट आप बोलिए फिर फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हो गया कि हम लोग को आखिर पता चला ना कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। जैसे आप लोग एसएससी वगैरह में जब एग्जाम दीजिएगा स्टूडेंट कंपटीशन लेवल में, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो कब आता है? उसमें भी जब दो लेवल का एग्जाम होता है स्टूडेंट, एक होता है ना पीटी, एक होता है मेंस, यानी कि फाइनल एग्जाम जब लिखने वाला था उस वक्त आता है। फर्स्ट एग्जाम आप नॉर्मल कुछ निकालिएगा एसएससी वगैरह, उसमें नहीं आएगा, सीजीएल सीएचएसएल सब में ये सब प्रूफ करने आता है। तो स्टूडेंट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला आप लोग प्रूफ भी करना सीख गए, कोई पूछ दे तो बता देना, लेकिन 100% याद रखना है कि ये कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट हो गया ये, चलिए अब हम लोग चलते हैं। और एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था स्टूडेंट हम, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे दूसरा वो वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर देते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो आप लोग सब कोई कमेंट करके बताइए स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्या लिखाए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, पता होगा तो जरूर बताइए स्टूडेंट, यदि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब याद कर लीजिए, हम यही बोलेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। जैसे कि स्टूडेंट हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, इसमें दो सेट में फॉर्मूला दिए थे स्टूडेंट, एक साइन में और एक कॉस में, तो साइन वाला हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट, कॉस वाला सेम टू सेम वैसे ही आपको लिख देना है। जैसे कि स्टूडेंट देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बताते हैं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, कभी भी साइन साइन का फंक्शन, कॉस कॉस का फंक्शन, साइन कॉस, इस टाइप का टर्म जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिखे स्टूडेंट, यानी कि दो साइन दो कॉस और साइन कॉस कभी भी यदि मल्टीप्लाई में दिखे, तो उसमें दो से गुना और दो से भाग करना स्टूडेंट, जो कि हम पीछे भी बहुत सारे लेक्चर में इस बात को डिस्कस किए थे कि स्टूडेंट कभी भी साइन साइन का फंक्शन, कॉस कॉस का फंक्शन, साइन कॉस का फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे तो दो से गुना दो से भाग। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलएचएस नोट कर लेते हैं, जो भी दिया हुआ है एलएचएस क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख दिया स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे साइन और ये साइन क्या बोले स्टूडेंट कि जब दो साइन दो ठो कॉस और साइन कॉस कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, यही ना बोले थे स्टूडेंट, तो वही किए हम लोग ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम लोग को ये चीज दिख गया स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग को ये बात पर ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जैसे दिखा स्टूडेंट, और इसका फॉर्मूला आप लोग को हम क्या बताए थे बताइए स्टूडेंट, साइन इसको ए माने इसको बी माने स्टूडेंट, और साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या फिर आप डायरेक्ट बोले स्टूडेंट कि टू साइन ए, ये पूरा को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ये पूरा को ए प्लस बी को क्या मानना स्टूडेंट तो ए, और ये पूरा को क्या मानना ए माइनस बी को तो बी स्टूडेंट। इस तरह मानने से क्या हुआ ना, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, तो बताए थे स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बोले थे ना स्टूडेंट, 100% याद होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं वन बाय टू क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉस ए माइनस बी, ए कौन है देखिए तो ए प्लस बी है ए, फिर माइनस ए माइनस बी, इसका माइनस करेंगे स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा,
क्या स्टूडेंट उसको ओ छोटा करके लिख के दिखाया क्या कि कैसे हुआ माइनस। फिर से एक बार यहाँ पे समझा देते हैं, इसको ए बोले स्टूडेंट, इसको बी बोले, फॉर्मूला था कॉस ए लिख दे स्टूडेंट माइनस बी, जैसे ही माइनस बी करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस ए, माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस बी माइनस की वजह से प्लस बी हो जाएगा। अब आ गया स्टूडेंट समझ में, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखे स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी, ए क्या है देखिए स्टूडेंट ए प्लस बी है ए प्लस, तो प्लस कर दिए ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस बी और माइनस बी कट गया और यहाँ से माइनस और प्लस ए कट गया, तो हम लोग के पास बचा क्या स्टूडेंट वन बाय टू, और यहाँ पे बचा स्टूडेंट कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए। अब स्टूडेंट यहाँ से कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए बना। अब बताइए स्टूडेंट ये कॉस टू बी को यदि हम लोग कॉस टू थीटा बोल दें और यहाँ पे भी कॉस टू थीटा बोल दें स्टूडेंट ए को, तो डायरेक्ट हम लोग का एक फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट की कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं, देखिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह में बी है तो बी लिख देंगे। फिर स्टूडेंट माइनस है माइनस कर दिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बोले स्टूडेंट, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो है स्टूडेंट उसको लिख देंगे, ये हो गया स्टूडेंट। अब वन बाय टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो जाए स्टूडेंट वन और माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस टू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस वन और प्लस वन दोनों कैंसिल, अब हम लोग का आगे यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट वो देखिए, देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग का बन रहा है यहाँ पे वन बाय टू, तो वन बाय टू लिखे ब्रैकेट, यहां से क्या बना स्टूडेंट टू साइन स्क्वायर बी, ये माइनस टू साइन स्क्वायर बी और प्लस टू साइन स्क्वायर ए, तो यहां से टू साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर बी, ये लिख दिया स्टूडेंट। टू दोनों से यदि कॉमन कर ले तो वन बाय टू, और ये टू को बाहर कर ले स्टूडेंट यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बताइए स्टूडेंट ये टू और ये टू कैंसिल, तो उनका क्या बना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर आर एच एस, क्योंकि यही चीज प्रूफ करने दिया था। तो स्टूडेंट क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं, कहीं पे कुछ नया नहीं किया स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूला को लिख दिए। एक बार फिर से इसको चलिए समझते हैं स्टूडेंट, क्या बोले स्टूडेंट कि कभी भी कान में एकदम खोस के रखना स्टूडेंट इस बात को कि कभी भी साइन साइन का कॉस कॉस का और साइन कॉस का फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में दिखे तो दो से गुना और दो से भाग कर देंगे। वही किया स्टूडेंट यहां से स्टूडेंट टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो स्टूडेंट टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो माइनस एर प्लस बी हो जाए स्टूडेंट, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी लिख दिए स्टूडेंट, ये माइनस बी प्लस बी कटा माइनस ए प्लस ए कटा, यहाँ पे टू बी बचा यानी कि कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए। अब स्टूडेंट ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला में लगा दिए, थीटा की जगह बी लिखा हुआ था लिख दिए, कॉस टू थीटा स्टूडेंट थीटा की जगह ए लिखा हुआ था लिख दिए, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस वन माइनस प्लस वन कटा। अब यहां से स्टूडेंट टू को कॉमन कर लिए, ये टू से कटा बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यही तो प्रूफ करने मिला था स्टूडेंट। एक और फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को प्रूफ करने के लिए टेन थ्री थीटा का, जैसे टेन थ्री थीटा का प्रूफ करेंगे स्टूडेंट साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा आप लोग से अपने आप प्रूफ होगा जैसे इधर प्रूफ किए। तो चलिए स्टूडेंट टेन थ्री थीटा को देख लेते हैं एक बार, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर इसको इरेज करेंगे स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो डाउट नहीं पूछना है। हर एक तरह का सुविधा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया स्टूडेंट, आपको जैसे मन हो उस टाइप से आप हमको डाउट पूछ सकते हैं, और हम आपका डाउट को कभी नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, आपका डाउट जरूर हम क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले करके आपका डाउट को बना देंगे, ताकि स्टूडेंट कहीं भी कोई भी लड़का से एक भी डाउट नहीं छूटे, कोई भी स्टूडेंट से एक भी डाउट नहीं छूटे। और हाँ स्टूडेंट, जितने भी इलेवेंथ ट्वेल्थ में है अभी, आप लोग थोड़ा इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, और या नहीं तो फिर चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं टेन थ्री थीटा पे। तो टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट, क्या बताए थे
थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, यही ना फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट। तो चलिए प्रूफ इसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए सर कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट मार्कर कहाँ रख दे पता नहीं चल पा रहा, वो ब्लू कलर वाला मार्कर से इस बार लिखने का मन था। चलिए लिख देते हैं, कहीं तो देखने में प्रॉब्लम नहीं होता होगा, 100% आप लोगों को पूरा क्लियर दिखता होगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो टेन थ्री थीटा लिया हुआ है, लिख दिए। ये थ्री थीटा क्वेश्चन यदि हम लोग टेन टू थीटा प्लस थीटा कर दे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, टेन टू थीटा प्लस थीटा कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा सर। टू थीटा मतलब ये थ्री थीटा को टू थीटा प्लस थीटा कर दिए, थ्री को टू प्लस वन कर सकते हैं कि नहीं, वही किए यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए बताइए, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए उसके बाद क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय, अब बोलिए सर आप ए बोल रहे हैं टू थीटा लिख रहे, ए ये है और बी ये है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो गया स्टूडेंट टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट ये टेन टू थीटा लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे स्टूडेंट, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा की जगह टेन टू थीटा का फॉर्मूला लिख दे स्टूडेंट, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा कर दिए, बड़ा सा ब्रैकेट कर देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट वन माइनस टेन टू थीटा का फिर से फॉर्मूला, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर स्टूडेंट इन टू टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा कर दिए। अब स्टूडेंट क्या करना ना, ले लेना है एलसीएम। जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे टू टेन थीटा प्लस टेन इंटू वन मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, तो टेन थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, सॉरी टेन क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे एक और टेन हो गया, तो टेन क्यूब थीटा फिर डिवाइडेड बाय, अच्छा स्टूडेंट ये वन माइनस टेन, चलिए लिख के ही दिखा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं, कुछ मीडियम स्टूडेंट है जिनको की दिक्कत हो जाएगा, तो इस चीज को एक बार फिर से थोड़ा लिख के समझाना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, हम डायरेक्ट सोचे कि एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे स्टेप आगे बढ़ जाएंगे पता नहीं किसको किसको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट एक एक स्टेप हम एकदम बच्चा सा आप लोग को दिखा देते। देखिए क्या क्वेश्चन, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो टू टेन थीटा एलसीएम तो आप लोग को लेने आता ही है, प्लस है प्लस कर दिए, टेन थीटा इंटू वन करेंगे तो टेन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस टेन क्यूब थीटा। अब देखिए स्टूडेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन गया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर बटे कर देंगे स्टूडेंट एक बड़ा सा, और यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो माइनस टू टेन थीटा, टू टेन थीटा इन टू टेन थीटा, और फिर डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोनों कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए तो टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा मिल करके हो गया थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा और माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो टू टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, चलिए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ लिख देते हैं, फिर स्टूडेंट क्या है, तो माइनस टू टेन थीटा इंटू टेन थीटा मिल करके क्या हो जाए स्टूडेंट, तो टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या बनाया, यहाँ पे थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करने दिया हुआ था आरएचएस में। तो स्टूडेंट क्या कहीं पे भी कोई परेशानी हुआ क्या किसी को समझने में, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय
वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज प्रूव करने दिया था स्टूडेंट, हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को हम चलिए फिर से रिपीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या था कि बोला कि टेन थ्री थीटा बराबर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट एल एच एस हम लोग पकड़े टेन थ्री थीटा लिख दिए। अब ये टेन थ्री थीटा को स्टूडेंट हम लोग बहुत तरीका से इस चीज को हम लोग प्रूव करके ला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए हम इसी से आप लोग को बता दिए। स्टूडेंट ये थ्री थीटा को टू थीटा प्लस थीटा कर दिए और यहाँ से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी हो गया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट ये टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का भी हम फॉर्मूला पीछे आप लोग को बताए थे कि टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है टेन थीटा का देशन वन माइनस टेन टू थीटा का फॉर्मूला टू टेन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का देशन ले लिए। यहाँ से एलसीएम जो जो कटा उसको कटा दिए और यहाँ से दोनों को ऐड कर दिए स्टूडेंट, तो थ्री टेन थीटा ये माइनस टेन क्यूब थीटा बचा और नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ के और ये चीज आर एच एस ला दिए। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, 100% समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज आप लोग सब कोई निकालिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2D है मेरा बुक में लिखा हुआ, आप लोग का बुक में हो सकता है स्टूडेंट एक्सरसाइज 15D लिखा हुआ होगा। तो जो भी लिखा है स्टूडेंट 15D लिखा तो 15D निकालिए, और यदि 2D दिया हुआ तो 2D निकालिए। और चलिए स्टूडेंट चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ एक्सरसाइज पे। कहीं पे भी आप लोग को मैथ में नहीं ऐसा लगने देंगे स्टूडेंट कि मैथ में आप कमजोर हैं। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट मेरे पास आइए और उसको देखिए मैथ में हम क्या बनाएंगे। जो सिर्फ मैथ में ही नहीं स्टूडेंट, हम बहुत सब्जेक्ट, ये नहीं कि अब मैथ में हम मैथ के टीचर हैं तो मैथ का ही बोल देता है इतना घंटा आप लोग कर दीजिए प्रैक्टिस मैथ अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं। मैथ के साथ साथ स्टूडेंट सिर्फ हम मैथ में ही आपको तेज बना के क्या कर लेंगे, मैथ के साथ साथ आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, यदि आप इकोनॉमिक्स या फिर जो भी लेते हैं कंप्यूटर साइंस वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। इतना सारा चीज अच्छा होगा स्टूडेंट तब आपका रिजल्ट अच्छा बन पाएगा। तो ये नहीं कि मैथ पूरा बोल दिए 24 घंटा पढ़िए, पूरा पढ़ लिए मैथ 100 में 100 आ गया, इधर हर सब सब्जेक्ट में आपका फेल मार्क्स आ गया, तो कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट। मैथ पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका हम लोग आपको एक वीडियो के थ्रू बताएंगे कि क्या तरीका है स्टूडेंट। मैथ को आप लोग क्या कीजिए, रात में डेली 9 बजे तक पहले आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ना हो स्टूडेंट उधर मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट 9 बजे से लेकर के 2 घंटा 11 बजे तक मैथ पढ़िए, और फिर स्टूडेंट 4:30 बजे उठ के फ्रेश हो लीजिए, और फिर वहां से आप 2 घंटा अपना मैथ पढ़िए, उसके बाद फिर अपना निकल जाइए ट्यूशन के लिए। स्टूडेंट अभी तो ट्यूशन के लिए कहीं जाना है नहीं, घर में ही रहते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, हम डेली वीडियो के थ्रू आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट फिर से वही रूटीन लगाना है, डेली 4 घंटा मतलब आपको मैथ पढ़ना है, एक बार सुबह 4:30 से लेकर के 6:30, और फिर स्टूडेंट रात में 9 बजे से 11 बजे तक मैथ में कहीं भी परेशानी नहीं हुआ स्टूडेंट। उसके बाद तो मेरा तरीका है कॉन्सेप्ट क्लियर, बच्चों से अपने आप क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन हम क्लियर नहीं कराते स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं अब एक्सरसाइज पे, इतना ज्यादा बहुत बात हो गया, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, बोल दिया कि साइन एक्स बराबर रूट 5/3 और जहां पे x जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो हमको वैल्यू फाइंड करके दिखाइए साइन 2x का, कॉस 2x का, टेन 2x का। तीन क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, चलिए हम तीनों को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल गया कि साइन x बराबर दिया हुआ है, साइन x, सबसे पहले चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज वगैरह लिख लेते हैं, एक्सरसाइज आप लोग का जो भी हो 15D यदि है तो ठीक है, और या नहीं तो फिर 2D जो भी हो वो निकाल लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन एक्स बराबर रूट 5/3, साइन एक्स बराबर रूट 5/3 और जहां पे स्टूडेंट एक्स कहां पर है, तो एक्स है 0 और पाई बाई 2 के बीच में, एक्स कहां पर स्टूडेंट, तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में, तो हमको फाइंड करना है इसमें तीन वैल्यू, साइन 2x, कॉस 2x और तीसरा नंबर में फाइंड करना है स्टूडेंट हम लोग को टेन 2x। अब चलेंगे स्टूडेंट हम लोग फाइंड करने पे, तो बताइए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जो उसको लिख लेते हैं,
क्या दिया हुआ स्टूडेंट वो चीज देखिए, तो दे दिया हम लोग को साइन एक्स बराबर रूट फाइव बाय थ्री और साइन थीटा बराबर आप लोगों को पता है टेन से फॉर्मूला पढ़ते हैं पी बाय एच होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके जगह पर पी बटे एच और यहाँ से एक हम लोग इस तरह करके ट्राइंगल बना लेंगे स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एक्स है पी बटे एच स्टूडेंट, तो पी कौन है रूट फाइव। अच्छा स्टूडेंट बताइए सिर्फ रूट फाइव होगा या रूट फाइव के होगा, तो रूट फाइव के होगा क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में भी सेकेंड लेक्चर से लेकर के पांच छह लेक्चर तक सिर्फ यही सब बताए थे स्टूडेंट कि आखिर के क्यों लेंगे, अब हम इस बात को डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहेंगे। और स्टूडेंट यहाँ एच का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ था, तो थ्री के दिया हुआ है, थ्री के दे लिख देंगे। यदि स्टूडेंट आप लोग मेरा शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक लेक्चर वन से लेकर के पूरा लेक्चर डाला हुआ है और यानी तो स्टूडेंट आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। ये है स्टूडेंट, अब हम लोग को चाहिए यहाँ पे बी, तो बी बराबर क्या था स्टूडेंट रूटेंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि नौ के स्क्वायर पांच के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए निकाल ही देते हैं बी बराबर क्या था स्टूडेंट रूटेंडर एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर कर देंगे तो नाइन के स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर तो क्या स्टूडेंट फाइव के स्क्वायर हो जाएगा। अब नाइन के स्क्वायर माइनस फाइव के स्क्वायर बराबर क्या स्टूडेंट फोर के स्क्वायर और फोर के स्क्वायर से यहाँ पे हम लोग का टू के निकल जाएगा यानी कि स्टूडेंट का बी बराबर टू के आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट बी इक्वल टू टू के। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं निकाल लेते हैं कॉस थीटा सबसे पहले यहाँ से, यानी कि थीटा की जगह एक्स है तो एक्स निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या था स्टूडेंट ये बताइए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है सर बी बटे एच, तो बी बटे एच बी कौन है टू के है, एच कौन है तो थ्री के है, के से के कटा तो टू बाय थ्री आ गया कॉस थीटा, और यहां से चलिए स्टूडेंट टेन थीटा भी निकाल लेते हैं और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला था स्टूडेंट पी बाय बी, पी कौन है तो रूट फाइव के है, बी कौन है तो टू के है और के से कटा तो यहाँ पे बन गया स्टूडेंट रूट फाइव बाय टू, ये हम लोग का आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन तो बोला कि साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स और टेन टू एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो चलिए स्टूडेंट सबका भी हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे बताते हैं अभी, सेम फॉर्मूला स्टूडेंट सिर्फ आप लोग को ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है अपने आप सब चीज आप लोग का आंसर आ जाएगा, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला आप जितना अच्छा बना पाइएगा उतना अच्छा ये टॉपिक भी आपसे बनेगा, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और अच्छा मार्क्स भी आता है इसमें। इलेवेंथ का तो एग्जाम पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ऑब्जेक्टिव से एग्जाम हो रहा है, ये हो सकता है स्टूडेंट अब सब्जेक्टिव भी हो जाए, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि इलेवेंथ हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्टूडेंट का सोच ये रहता है कि इलेवेंथ में एग्जाम ही नहीं होगा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं स्टूडेंट कि इलेवेंथ में इतना इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि इसके बिना ट्वेल्थ में आपका काम होगा ही नहीं, इसलिए स्टूडेंट इलेवेंथ को बहुत अच्छा से पढ़ना फिर आपका ट्वेल्थ अच्छा बन पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज ये साइन टू एक्स पे, तो साइन टू एक्स अभी तुरंत इसका फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट क्या बताए थे, तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब स्टूडेंट टू की जगह टू रहने दीजिए, साइन एक्स का वैल्यू भी तुरंत निकाल लिए क्या तो रूट फाइव बाय थ्री, तो यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट रूट फाइव बाय थ्री और कॉस एक्स का वैल्यू स्टूडेंट टू बाय थ्री है तो लिख दे यहाँ पे टू बाय थ्री, टू टू कितना हो गया स्टूडेंट देखिए तो टू इंटू टू कर देंगे फोर और फोर इंटू रूट फाइव तो फोर रूट फाइव और डिवाइडेड बाय नाइन, ये हो गया हम लोग का साइन टू एक्स। चलिए स्टूडेंट इसी तरह टू नंबर में देख लेते हैं, टू नंबर में क्या बोला स्टूडेंट की कॉस टू एक्स निकालिए, कॉस टू एक्स और कॉस टू एक्स का क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या बोले थे स्टूडेंट कि जितना अच्छा फॉर्मूला बना पाइएगा उतना अच्छा ये टॉपिक आपसे क्लियर होगा। अब स्टूडेंट वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हुआ तो चलिए वन माइनस टू साइन एक्स का यदि रूट कर दे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा, तो साइन एक्स क्या निकला हुआ हम लोग का साइन एक्स क्या निकला हुआ रूट फाइव बाय थ्री निकला हुआ है यानी कि रूट फाइव बाय थ्री का स्क्वायर, जैसे ही कर देंगे स्टूडेंट तो वन माइनस यहां से देखिए टू रूट फाइव बाय थ्री कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहां से फाइव बाय नाइन, ये इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट तो वन माइनस टेन बाय नाइन, यहां से इसका एलसीएम लीजिए स्टूडेंट और माइनस वन बाय नाइन, ये हो गया हम लोग का कॉस टू एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिला टेन टू एक्स, यदि स्टूडेंट टेन टू एक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट टेन टू एक्स को कैसे फाइंड कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट जब टेन टू एक्स दे दिया तो क्या ज्यादा हम लोग को कुछ माथा लड़ाना है क्या, टेन टू एक्स दे दिया है तो टेन टू एक्स आप लोग को पता है कि टू एक्स को हम लोग थीटा बोल देंगे और
साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल करके क्या बनाता है तो टेन थीटा बनाता है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि तीन नंबर में हम लोग को फाइंड करना है, थ्री नंबर में टेन टू एक्स दिया हुआ था, लिख दिए टेन टू एक्स। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स। क्यों ज्यादा माथा लड़ा है स्टूडेंट, जब हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का वैल्यू मिल ही रहा, तो क्यों हम लोग टेन टू थीटा का कुछ फॉर्मूला बनाए, नहीं कुछ करना है डायरेक्ट। यहाँ से देखिए साइन टू थीटा का वैल्यू क्या आ गया, फोर रूट फाइव बाय नाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर रूट फाइव बाय नाइन, फिर डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा का फॉर्मूला माइनस वन बाय नाइन। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट माइनस वन बाय नाइन, ये नाइन से नाइन कट गया स्टूडेंट, तो हम लोग का माइनस फोर रूट फाइव, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर सिक्स बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, प्रूफ करने के लिए दिया, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर वन जैसे ही बनाए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव, फोर का वन नंबर, फोर में दो क्वेश्चन दिया हुआ ना, फोर का वन और टू दोनों एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। फाइव नंबर, सिक्स नंबर, सब एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन ये सिक्स नंबर को हम चलिए थोड़ा प्रूफ करके बताते हैं। फाइव आपसे बन जाएगा, जैसे सिक्स बनाएंगे स्टूडेंट सेम वैसे ही आपको फाइव भी बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट सिक्स की तरफ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आखिर क्या बोल रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, ये साइन टू एक्स बटे वन प्लस कॉस टू एक्स। स्टूडेंट सेवन एट नाइन टेन सब एक ही क्वेश्चन है, टेन बताएंगे जैसे ही वैसे स्टूडेंट नाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तक आप लोग से बनेगा स्टूडेंट, सेवनटीन तक बनेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट एट्टीन नाइनटीन एट्टीन नंबर का भी पूरा बना लीजिएगा स्टूडेंट। यदि जिससे से नहीं बने उसको हरासमेंट नहीं होना, क्योंकि इसका भी दो तीन लेक्चर पांच लेक्चर तक बना देंगे, एक एक डाउट क्लियर कर देंगे स्टूडेंट, कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। जहां तक बने बनाइए, जहां तक नहीं बने उसको छोड़ दीजिए मेरे लिए, उसको तो बताएंगे स्टूडेंट। उसके बाद भी यदि आपका मेरे बताने के बाद भी कुछ डाउट होता है तो उसको हम कैसे पूछेगा हमसे बता दिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, लिंक मिलेगा स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे आप लोग वहां से ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं, और या नहीं तो स्टूडेंट फिर डायरेक्ट हमको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सेम ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, हू बहू यही चीज को आप लोग को लिख देना है। सिर्फ क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर टेन एक्स, हमको प्रूव करके दिखाएगी। यही दिया हुआ स्टूडेंट कि साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर टेन एक्स, हमको प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या करना है, ले लेंगे यहाँ से LHS, LHS में जो दिया हुआ उसको लिखिए स्टूडेंट साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स। एकदम सिर्फ फॉर्मूला लिखना स्टूडेंट, कहीं पे कुछ नहीं है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला का लिखा था स्टूडेंट आप लोग को टू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स, ये टू से टू कटा स्टूडेंट, एक कॉस एक्स कटा और साइन एक्स बटे कॉस एक्स मिलकर के यहाँ पे टेन एक्स हो गया, और यही चीज हम लोग का RHS प्रूव करने दिया था। तो स्टूडेंट कितना ईजी था बोले ना, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक स्टूडेंट और बनाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टेन बोला स्टूडेंट कि कॉसेक टू एक्स प्लस कॉट टू एक्स बराबर कॉट एक्स, ये प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। कहीं पे भी मैथ हार्ड नहीं लगेगा स्टूडेंट, बस मेरे अनुसार चलिए, और शुरू से लेक्चर देखना स्टूडेंट, ये नहीं कि बीच में मिला लेक्चर नंबर 16 मिल गया, अरे लेक्चर 16 है चलो देख लिए, एकदम उत्साह नहीं की जगह स्टूडेंट, कहीं से कुछ नहीं समझ में आएगा। लेक्चर वन से देखिए, एक एक चीज को अपना कॉपी में नोट कीजिए, रिविजन कीजिए, फिर उसका फेयर कीजिए, उसके बाद यदि आपसे कहीं डाउट रहता है फिर हमको बोलिए, देख लेंगे किसे डाउट रहेगा, कहीं नहीं डाउट रहेगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक टू एक्स प्लस कॉट टू एक्स बराबर कॉट एक्स बोला प्रूफ करने के लिए। कोसेक टू एक्स प्लस कॉट टू एक्स बराबर कॉट एक्स, ये चीज बोला प्रूफ करने। देखिए स्टूडेंट कोसेक टू एक्स, सबसे पहले चलिए हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दिया स्टूडेंट, तो कोसेक टू एक्स प्लस कॉट टू एक्स। अब स्टूडेंट ये कोसेक टू एक्स को हम लोग वन बाय साइन टू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं,
कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, वही के स्टूडेंट प्लस लिखा हुआ है प्लस कर दिए, कॉट 2x स्टूडेंट यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम स्टूडेंट, तो साइन थीटा जैसे ही हम लोग एलसीएम ले लिए ये इससे कटा तो 1 प्लस कॉस 2x, और ये चीज देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, बस इसका उल्टा हो गया। तो बताइए स्टूडेंट 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 cos x, 2 cos² x, साइन 2x को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये 2 से 2 कटा, कॉस से 1 कॉस कट गया, अब कॉस एक्स यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट देखिए, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर होता है स्टूडेंट कॉट एक्स, और यही चीज हम लोग आर एच एस बोला था प्रूव करने। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, आगे आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पूरा एक्सरसाइज को भी क्लियर कर लेंगे, तो जो स्टूडेंट से बनेगा स्टूडेंट बनाइए, और जिनसे जो डाउट होगा वो पूछिए। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, इसी का डाउट बनाएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।